तो शुरुआत करते पतरातू की खबर से, जहां रोचाप गांव में सड़क हादसे में एक शख्स की जान चली गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया। लोगों का ये आरोप है कि इस रास्ते पर आए दिन हादसे होते हैं, बावजूद इसके जिला प्रशासन भारी वाहनों के एंट्री को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, वहां के लोग कैसे गुस्से में हैं। लोगों का ये कहना है कि अक्सर ऐसे हादसे होते हैं इस रोड पर, बावजूद इसके जिला प्रशासन कोई सुध नहीं लेता, कोई कार्रवाई नहीं करता और लोग सड़क हादसे के शिकार हो रहे हैं। सड़क हादसे में एक शख्स की जान चली गई, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, सड़क जाम किया, जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, हंगामा किया। दरअसल इस रोड से भारी वाहनों की एंट्री होती है, जिस पर रोक लगाने के लिए कई बार लोगों ने आग्रह किया है जिला प्रशासन से, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं होती और आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और इसी को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जब आज एक हादसा हुआ, एक शख्स की जान चली गई, जिला प्रशासन के खिलाफ लोग जमकर हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सहयोगी सुमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, ये हादसा हुआ, एक शख्स की जान चली गई, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि प्रशासन की लापरवाही है जिसकी वजह से अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? मामला ये है कि हवा वहां पर हमेशा चलते रहती है उस सड़क पर, और अभी तक दो चार पांच जान अभी तक जा चुकी है। तो प्रशासन जो ग्रामीण है उनका कहना था वहां पर हवा जो है ना चले, लेकिन कुछ दिन नहीं चलता फिर से हवा चालू हो जाता है और इसी की वजह से हादसे होते रहते हैं जी। तो क्या जो मृतक हैं उनके परिजनों को प्रशासन, जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल पाई है? मुआवजा की बात हुई है, मुआवजा दिया जाएगा और वहीं अब सड़क का प्रचलन फिर से चालू हो चुका है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।